हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके तीन सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। एक ये आपके ज्योग्राफी में तो आता ही है, दूसरा ये आपके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का भी टॉपिक है, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके करंट के टॉपिक को भी कवर करेगा। कैसे? तो हम परवाल भित्ति या कोरल रीफ के बारे में तो जानेंगे ही, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है आपका, हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बड़ी मात्रा में, दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण परवाल भित्ति का बड़ी मात्रा में जो विनाश हो रहा है ये मर रही है। तो अब सोचा गया कि क्यों ना परवाल भित्ति को दोबारा से रीजनरेट या पुनर्जीवित किया जाए, और इसे पुनर्जीवित किया जाएगा बायोरोक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बायोरोक टेक्नोलॉजी आपका करंट का टॉपिक है, जिसे हम परवाल भित्ति के साथ ही समझेंगे। और परवाल भित्ति या कोरल रीफ के साथ ही, इसके साथ हम छोटा सा टॉपिक और जोड़ेंगे, वो है आपका कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन। तो जो कोरल रीफ या कोरल ब्लीचिंग और परवाल भित्ति और परवाल विरंजन, तो इनके साथ भी इसके साथ ही हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परवाल या कोरल होता क्या है? तो आपका जो कोरल या परवाल है, ये छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि एक चूना प्रधान जीव है। चूना प्रधान जीव यानी कि ये क्या करते हैं, कैल्शियम का सिक्रेशन करते हैं, कैल्शियम का श्रावण करते हैं समुद्र में, और ये समुद्र में रहते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए ये सहजीवी के रूप में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं। किसके साथ? तो मैंने कहा कोरल जो है आपके समुद्र में रहने के लिए एक सहजीवी के रूप में रहते हैं, और किसके साथ रहते हैं, ये आपकी जो ब्राउन ग्रीन एल्गी या जो आपकी भूरी हरी शैवाल है समुद्र में, जिसका अगर हम स्पेसिफिक नाम लें तो स्पेसिफिक नाम है इसका जूओजैंथली। लिख देती हूँ, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ये नाम याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि जो कोरल किसके साथ सहजीवी के रूप में रहती है, आपकी एक ब्राउन ग्रीन एल्गी या शैवाल के साथ रहती है, क्लियर, और जिसका नाम है जूओजैंथली। तो ये आपस में क्या है, समुद्र में आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवी के रूप में रहते हैं। कैसे? कोरल मैंने अभी कहा कि ये क्या है, आपके कैल्शियम का सिक्रेशन करते हैं समुद्र में, जिसके कारण ये क्या करेंगे, समुद्र में एक सरफेस बना लेते हैं, और वो सरफेस किस चीज़ का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कोरल का काम क्या हो गया, एक ये सरफेस बनाती है, एक बोल तरह की बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट जो सरफेस कोरल के द्वारा बनाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, परवाल भित्ति या कोरल रीफ कहते हैं। अब जो इस रीफ या जो भित्ति का निर्माण कोरल के द्वारा किया गया है, इस पर क्या होता है कि जो ये ब्राउन ग्रीन एल्गी है आपकी, भूरी हरी शैवाल है, इसका जो अब इन एल्गी को रहने के लिए क्या चाहिए, इनको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए जहाँ पर ये उग सके, है ना। तो वहाँ पर सर्वाइवल के लिए पहले इन्हें एल्गी को चाहिए सबसे पहले एक ऐसा सरफेस जहाँ पर ये अपनी रिप्रोडक्शन कर सके, अपना जो आगे जो है अपना वातावरण अच्छे से बना सके, अच्छे से आपका फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ब्राउन ग्रीन एल्गी जो है, इन जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो आपकी भित्ति जो कि कोरल के द्वारा बनाई गई है, इनके ऊपर क्या होती है, चिपकना शब्द ठीक नहीं है यहाँ पे, इसके ऊपर उगना शुरू हो जाती है, और इसके साथ उगेगी, ठीक है। अब जो दीवार है कोरल ने बनाई, लेकिन जो एल्गी शैवाल इस दीवार भित्ति या दीवार के ऊपर जो बनी हुई है, इसका काम क्या होगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ जो कोरल के साथ रह रही है, इसमें इसका मुख्य काम है कि यह आपके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करती है, अपना फूड का निर्माण करती है, और जिस पर कि जो आपके कोरल है वो भी निर्भर है। तो ब्राउन ग्रीन एल्गी ने कोरल को क्या दिया, इसने इसको क्या फूड प्रोवाइड किया, खाद्य पदार्थ प्रोवाइड किया, जो कि इसने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्माण
किया। उसी तरह कोरल ने ब्राउन ग्रीन एल्गी को क्या दिया, स्नेक सरफेस दिया जहाँ पर ये उग सके, आगे रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह जो है कोरल और ब्राउन ग्रीन एल्गी जो है आपके पूरे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवी के रूप में समुद्र में रहते हैं। और एक और चीज़ जो आपके ब्राउन ग्रीन एल्गी है, ये आपकी कलरफुल होती है, इसलिए अगर आप नाम भी देखें तो ब्राउन ग्रीन यानी कि भूरे हरे शैवाल होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो इसलिए जो ये आपकी शैवाल है, जो कोरल रीफ है जो बनाई जाती है कोरल के द्वारा, यह आपकी हमें कलरफुल दिखती है। क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर जो ब्राउन ग्रीन एल्गी है ये क्या है, आपकी रंगीन है, जिसके कारण हमें जो कोरल के द्वारा जो ये रीफ बनाई गई है ये पूरी हमें रंगीन दिखती है। इसलिए कहा जाता है कि कोरल जो है देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। तो दरअसल उसकी जो सुंदरता के पीछे जो मेन कारण है वो आपका ब्राउन ग्रीन एल्गी का है, और इसीलिए और इसी टर्म से आपका जुड़ा है कोरल ब्लीचिंग या परवार विरंजन। कैसे? तो जब प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि जो आपके ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और साथ ही अगर जो समुद्र का पानी है उसकी जो सैलिनिटी है, लवणता अगर बढ़ जाए, इसके साथ ही अगर जो सनलाइट है इन ब्राउन ग्रीन एल्गी को अच्छे से ना मिल पाए, है ना, तो ये सब कारण है कि जिनके कारण जो ब्राउन ग्रीन एल्गी की जो आपकी ग्रोथ थी वो रुक जाती है और ये मरने शुरू हो जाते हैं। अब आप खुद मुझे बताइए कि जब ब्राउन ग्रीन एल्गी जो इस रीफ पर आगे उगती है, अगर ये मरने शुरू हो जाएंगी तो जो आपका कोरल का जो कलर था वो कहाँ गया, वो तो गायब हो गया, और अब क्या है, ये पूरे आपके रंगहीन दिखने लग जाएंगी, इसमें हमें कोई कलर नहीं दिखेगा, और इससे क्या होगा, आपके कोरल भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि इन्हें क्या होगा, आगे कोई फूड नहीं मिलेगा। इसलिए इस टर्म को हम क्या कहते हैं, जब आपके जो है कोरल मरने लग जाए। और कोरल कब मरते हैं, जब आपकी ब्राउन ग्रीन एल्गी जो है यहाँ पर उनकी ग्रोथ रुक जाए, जिससे कि जो आपकी कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति जो इसके द्वारा भित्ति बनाई गई है, ये क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, यानी कि उसकी क्या हो गई, ब्लीचिंग हो गई, है ना, तो ब्लीचिंग हो गई, उसका विरंजन हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं आपका, इसे हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका कि कोरल रीफ क्या होता है, जो इसके द्वारा कोरल के द्वारा बनाया जाता है सहजीवी के रूप में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में रहकर। उसके बाद है आपका, जब ये मरने लग जाते हैं तो ये आपका रूप ले लेता है कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन का। और ये मरने क्यों लग जाते हैं, 3-4 पॉइंट्स मैंने बोले हैं, आपके जो एडवर्स कंडीशंस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका जो सी का जो टेम्परेचर है उस वो बढ़ रहा है, जो समुद्र के पानी की जो खारापन है, लवणता है वो बढ़ रही है, आपको सनलाइट अच्छे से नहीं मिल रही है, तो ये सब कारण है। इसी तरह जब हम पर्यटन जो स्थान होते हैं, जब वहाँ पर समुद्र के आसपास हम घूमने जाते हैं, तो पर्यटक क्या करते हैं, टूरिस्ट क्या करते हैं, वहाँ पर खा पी कर वहाँ पर सामान लिया और समुद्र में फेंक दिया, तो वो जो आप समुद्र में कचरा फेंकते हो वो कहीं ना कहीं जाकर इन परवाल के मुँह में फंस जाते हैं, तो ये तब भी मरने लग जाते हैं, तो वो भी इसका मेन कारण है कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन का। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग का। अब हमें देखना है हमारा करंट का कॉन्सेप्ट कि किस तरह जो ये आपकी कोरल मर रही हैं इनको हम दोबारा से पुनर्जीवित या रिजनरेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपकी ये परवाल भित्ति जो बनाई जाती है आपकी कोरल और ब्राउन ग्रीन एल्गी के द्वारा पूरे सहजीवी के रूप में रहकर, ये आपके जो समुद्र है, ओशन है, उसके वर्षा वन भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी जो डाइवर्सिटी है, आपके देखेंगे कि इसकी काफ़ी जो है हम डाइवर्सिटी समुद्र में देखते हैं, है ना, तो ये एक तरह से आपकी जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है जो हमारे ओशन का, उसमें एक बैलेंस भी बनाकर रखती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र के जो आपके वर्षावन है वो क्या वो किसे हम कहते हैं, तो वो हम कहते हैं परवाल भित्ति या कोरल रीफ का, जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं समुद्र की हमें समुद्र की सतह पर, है ना। तो उसके बाद बायोरोक टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि परवाल भित्ति को दोबारा से उगाएगा, यानी कि जो हमारी मर रही है उनको दोबारा से रीजनरेट करेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में मुख्यतः ऐसी कौन कौन सी जो प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें परवाल भित्ति देखने को मिलती है, तो ये चार जगह हैं, नोट कर लें, यहाँ लिख देती हूँ। तो अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह, यहाँ आपके प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है, कोरल रीफ्स। इसी तरह कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और आपका जो लक्षद्वीप है वहाँ हमें मुख्यतः प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ देखने को मिलती है। अगर इनमें से भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा हमें कोरल रीफ कहाँ देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक जो कोरल रीफ हमें कहाँ मिलती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम कहाँ है आपके कच्छ की खाड़ी में, तो कच्छ की खाड़ी में आपके सबसे कम जो है कोरल रीफ पाई जाती है। और कच्छ की खाड़ी में क्योंकि सबसे कम जो कोरल रीफ मिल रही है, और इसी जगह पर याद रखिए यहीं पर बायो रॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है आपकी कोरल रीफ को रीजनरेट किया जाएगा। कैसे रीजनरेट किया जाएगा, क्या प्रोसेस है, ये अभी हम देख लेते हैं। तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जो आपके एक इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, पहले देखिए यहाँ पे समुद्र में क्या होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, उसमें काफ़ी जो है आपके संसाधन होते हैं, काफ़ी खनिज संसाधन होते हैं। और बायो रॉक टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आपके वो जो समुद्र में आपके खनिज संसाधन हैं उनको एक जगह अवसादित सेडिमेंटेड किया जाएगा, ताकि वहाँ पर आपके प्रवाल भित्ति को उगाया जा सके। क्यों? क्योंकि प्रवाल भित्ति को अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि प्रवाल को जो आपका कीट है, सिर्फ प्रवाल, कोरल की बात कर रही हूँ, इसको क्या चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, जो कि इसे कौन प्रोवाइड करते थे, वो करते थे आपके जो भूरे हरित जो शैवाल है, ब्राउन ग्रीन एल्गे है, वो प्रोवाइड करते थे। तो इसके लिए प्रवाल को अगर हमें फूड दे देंगे तो फिर क्या होगा, ये एक जगह पर हम इसके उगने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसी के लिए जो आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो आपकी गुजरात सरकार है, गुजरात जो गवर्नमेंट है, उसका जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इन दोनों के सहयोग से आपके कच्छ गुजरात में कच्छ की खाड़ी में बायो रॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रवाल भित्ति को दोबारा से उगाया जाएगा। और किस तरह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि सबसे पहले पूरा बेसिक से बताती हूँ कि समुद्र में क्या किया जाएगा। एक स्टील का जिसे हम बायो रॉक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे समुद्र में छोड़ा जाएगा। ये क्या है आपका बायो रॉक स्ट्रक्चर, जो कि आपका किससे बना है, स्टील का बना है, और इसे जोड़ा जाएगा बाहर आपके एक पावर सप्लाई से, जिसके माध्यम से आपका इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का संचयन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आपका ये आपका कहाँ छोड़ा जाएगा, समुद्र में छोड़ा जाएगा। और जब पावर सप्लाई के माध्यम से जब आपके यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो समुद्र के जल में जो घुला हुआ आपका लवण है, यानी कि जो आपके खनिज संसाधन है, वो सब क्या होंगे, इसके साथ, इस मैश के साथ, बायो रॉक स्ट्रक्चर के साथ चिपकने शुरू हो जाएंगे। और जब ये यहाँ पर चिपकने शुरू हो जाएंगे आपके, तो इनके साथ क्या है, आपके धीरे धीरे जो आपके टूटे हुए जो प्रवाल है, जो कि आपके ब्लीचिंग के कारण वहाँ से हट गए थे, मतलब वहाँ पे आपके ब्लू ब्राउन ग्रीन एल्गी मरने शुरू हो गई थी, जिसके कारण ये आपके जो प्रवाल थे वहाँ से टूट गए थे, अलग थलग हो गए थे, वो वहाँ यहाँ पर आके जो है चिपकने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें क्या है, अब यहाँ पर इन्हें फूड मिल सकेगा। कैसे मिलेगा फूड, क्योंकि जो आपके समुद्री पानी में जो घुले हुए लवण हैं वो यहाँ पर चिपकने लग जाएंगे, जिन्हें ये प्रवाल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से जब प्रवाल यहाँ पर चिपकने लग जाएंगे, इन्हें फूड मिलने लग जाएगा, तो दोबारा से यहाँ पर ये ग्रो करने लग जाएंगे, जिससे ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण कर सकेंगे। तो ये है आपकी पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से प्रवाल भित्ति या कोरल भित्ति को प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ को दोबारा से रीजनरेट किया जाएगा आपके गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। क्लियर?
तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक जिसे हमने पूरा समझ लिया है। पता होना चाहिए आपको कोरल रिफ क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, परवाल भित्ति सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सबसे कम कहाँ है कच्छ की खाड़ी में, यहीं से याद रखिए क्योंकि यहाँ पर सबसे कम है। तो इसी जगह पर बायोरॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोरल रिफ को रीजनरेट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए वाकई मेहनत कर रही हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।